Hello everyone, welcome back to channel. In last video, we learned how to find the number of digit. But in this particular video, we will learn the number of leading zero, kaise find out karenge. So first, let's understand the number of leading zero ka matlab kya hota hai. Iska meaning kya hota hai, usko hum samajhte hain. So iska basic meaning ye hota hai, जो डिशमल है किसी एक नंबर में जो डिशमल है उसके राइट हैंड साइड में जितने भी कंटिन्यूअस जीरो होंगे वो नंबर ऑफ लीडिंग जीरो कहलाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज 2.00000030217 0। सो कंटिन्यूअस जीरो की बात मैंने बोला। सो हेयर कंटिन्यूअस जीरो 2, 4, 5। सो 5 लीडिंग जीरो। अगर ये ब्रेक हो गया कंटिन्यूअस जीरो से, ये ब्रेक हो गया सो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो लीडिंग जीरो होगा वो कंटिन्यूअस जीरो, डिसिमल के बाद से जो होगा वो लीडिंग जीरो कहलाएगा। आई होप अब आपको इसका मीनिंग, नंबर ऑफ लीडिंग जीरो का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सो बढ़ते हैं आगे कि इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दो टर्म सीखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा। यहां भी कैरेक्टरिस्टिक्स का हेल्प लगेगा टू फाइंड नंबर ऑफ लीडिंग जीरो, जो कि हम लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने में भी कैरेक्टरिस्टिक्स का हेल्प लिया था। सो यहां भी कैरेक्टरिस्टिक्स का हेल्प लगेगा। सो इसका मीनिंग आई होप आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं तो मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं तो आप लास्ट वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है। एज्यूम डेट कि लॉग एक्स का वैल्यू 2.312 है। सो हेयर द इंटीग्रल पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज नोन एज मेंटिसा। The integral part is known as characteristics and the fractional part is known as mantissa. I hope आपको अब क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नेगेटिव वाला। -3.215। सो यहाँ पे मैंने बोला था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो 3 से एक ज्यादा होगा, -4। और मेंटिसा होगा वो क्या होगा, 1-2.15। अब ये ऐसा क्यों हुआ है उसका जो एक्सप्लेनेशन है मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, सो आप उसको देख लेना। सो ये होगा कैरेक्टरिस्टिक्स और ये होगा मेंटिसा। क्यों ये ज्यादा होता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा ये -3.215 आना चाहिए। सो -4 प्लस इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 85.37। तो 0.7 अब हम इसको ऐड करेंगे सो वी विल गेट -3.215। दैट्स व्हाई वी टेक अ वन लार्जर वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल लीडिंग जीरो को निकालने के लिए, कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक्स किसका लेते हैं, जो भी नंबर है, जो भी मान लो एन नंबर है, इसका हम लोग लॉग लेते हैं, फिर इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। लॉग एन का कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें प्लस 1, ये होता है बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 लीडिंग जीरो का वैल्यू, लीडिंग जीरो फाइंड आउट करने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं, जो कैट का ही क्वेश्चन है, ये कैट में आ चुका है क्वेश्चन और इसी से हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ जीरो आफ्टर द डिसिमल पॉइंट टिल द नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब कंटिन्यूअस वाला डिजिट 0.2 का पावर 50।
देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लीडिंग जीरो डायरेक्ट तो नहीं बोला है, लेकिन लीडिंग जीरो का जो मतलब है वो बोल दिया है और उस पे क्वेश्चन आस्क किया है। सो ये चीजें समझना जरूरी था। सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन लॉग नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे प्लस वन। सो यहाँ पे नंबर तो मेरा ये है, सो लॉग ले लेते हैं इसका। लॉग 0.2 का पावर 50, प्लस वन, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 बाई 10 पावर 50 प्लस वन। 50 को हम इधर लेके आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लॉग का रूल है, 2 10 प्लस वन 50 लॉग 2 माइनस लॉग 10। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लॉग का बेसिक फॉर्मूला। 50 इंटू लॉग 2 0.3010, आपको बोला था याद करने के लिए। लॉग 10 बेस 10 होगा अगर कुछ नहीं दिया, सो log 10 to base 10 1 प्लस वन, सो 50 into 0.3010 - 1 is 1090, 0.699 माइनस में आएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सो नेगेटिव इज लार्जर देन पॉजिटिव, सो नेगेटिव में आएगा यहाँ पे। एंड प्लस वन मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 9 5 जो 45 4, 9 5 जो 45 9 4, 6 5 30 34 एंड वन 34.95 प्लस वन नेगेटिव में। अब हम लोग इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? -35। नेगेटिव टर्म का मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बोला था ना, वो नहीं है इसमें, मतलब जो नेगेटिव हो उसमें वन हम लोग लार्जर लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स -35 प्लस वन, सॉल्व करते हैं, सो -34। अब -34 जो आया, सो यहाँ पे जो 34 जो नंबर है ना, ये लीडिंग जीरो है। जो माइनस, एक तरीके से हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीडिंग जीरो के लिए। सो यहाँ पे टोटल 34 लीडिंग जीरो आ जाएगा। तो 34 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप अब आपका इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वेरी बेसिक कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने हाउ टू नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए लगाया था कॉन्सेप्ट सेम वही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा हमको कॉशियस रहना है कि हाँ नेगेटिव में जो आएगा इट मीन्स वो लीडिंग जीरो ही कहलाएगा। नेगेटिव आया तो लीडिंग जीरो, अगर ये पॉजिटिव आया तो नंबर ऑफ डिजिट। बस ये दो डिफरेंस आपको समझना है और कुछ नहीं। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, उसके बाद आप खुद से नंबर लेना प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं ज्यादा। वन सेकेंड, यस सॉरी, हाँ सॉरी गाइज, कुछ टेक्निकल ग्लिच था। सो एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको बेटर तरीके से। सो लेट्स अज्यूम कि हम लोगों को 3 बाई 5 टू द पावर 20 है इसका लीडिंग जीरो फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले लॉग लेंगे 3 बाई 5 टू द पावर 20, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। अभी के लिए हम ऐसे प्लस वन वगैरह नहीं लिखते हैं फालतू का। 20 मल्टीपल में आ जाएगा log 3 - log 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये डायरेक्ट एक स्टेप मैंने फॉरवर्ड करके लिखा। log 3 0.4771 - log 5 0.699, 771 - 0.6, सो 20 20 इंटू, इसको सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आएगा?
0.69900.4771, तो यहाँ पे आ जाएगा 9812202 -0.2219। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 19 to 48 44 20 4.438 नेगेटिव में। इसका अब हम लोगों का लीडिंग जीरो फाइंड आउट करना है। सो वी नो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, -5 प्लस वन -4, इट मीन्स 4 जो होगा वो लीडिंग जीरो होगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस के लिए आप खुद से कुछ वैल्यू ले लो, बहुत डिफिकल्ट वैल्यू नहीं लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वैल्यू पे बनाना मुश्किल हो सकता है। अगर क्वेश्चन आया सो वो मतलब इजी वैल्यू पे ही आएगा, 2 3 4 ऐसे पे। सो उसी टाइप का वैल्यू लेकर आप 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उतना मोर देन सफिशियंट रहेगा। IMS के मॉक में आ ही जाते हैं एक एक दो बार ये इस टाइप के क्वेश्चन, तो वहां से भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, उतना काफी है कैट के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।